गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग और आप सब लोगों की दिवाली कैसी रही? आई होप आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा और आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। और गाइज सबसे वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले अपने सभी सब्सक्राइबर से थैंक यू करना चाहती हूँ कि वो मेरे चैनल के साथ जुड़े, और जो भी लोग कमेंट्स करते हैं उन लोगों का भी मैं बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। काफी मोटिवेटेड और काफी अच्छे कमेंट्स करते हैं तो काफी अच्छा फील होता है। तो यही सब आगे बढ़ने के लिए चाहिए होता है जो आप मुझे दे रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। तो जो आज का हॉल है वो मंत्रा हॉल है। अगेन जैसे कि आपको पता है मंत्रा से मैं काफी शॉपिंग करती हूँ क्योंकि उसकी रिटर्न एक्सचेंजेस पॉलिसी काफी अच्छी है और डिलीवरी भी बहुत जल्दी मिल जाती है। लेकिन सबसे पहले टॉप्स से शुरू करते हैं। 3 टॉप्स है मेरे पास आप लोगों को दिखाने के लिए। तो जो पहला टॉप है वो है ये देखिए, ये है ब्रांड एंथिया से और ये एक पेपलम स्टाइल टॉप है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पेपलम स्टाइल टॉप है क्योंकि यहाँ वेस्ट से उसके बाद यहाँ फ्रॉक स्टाइल ऐसा दे रखा है और इसकी स्लीव्स इस टाइप की हैं, फुल हैं। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे इसे रफल्स कुछ डिटेलिंग कर रखी है इसकी स्लीव्स पे, और इसका नेक एरिया और चेस्ट एरिया बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए देखिए नेक पे ऐसे पूरे नेक पे से लेस लगी है ब्लैक कलर की। साइज मैं बता देती हूँ, स्मॉल है मेरा। और ये देखिए पूरे में ऐसे एम्बेलिशमेंट किए गए हैं इसके चेस्ट एरिया तक, ये तो ये पूरा परफेक्ट एक पार्टी वेयर टॉप है। पार्टीज वगैरह में आप इसको कैरी कर सकते हैं इजीली। और बैक से मैं इसका दिखा देती हूँ, ऐसे बटन्स लगे हैं, ये सब ओपन हो जाते हैं, ये सारे जो बटन्स हैं पीछे दे रखे हैं। तो इसमें आई थिंक एक कलर और पीच कलर शायद अवेलेबल है, पर मुझे ये ज्यादा पसंद आया था तो इसलिए मैंने ये वाला लिया। तो ये वाला जो टॉप है गाइज, मैंने देखा है एंटीयर का कई बार बहुत जल्दी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, और जब मैं चाह रही थी लेना तब भी ये आउट ऑफ स्टॉक था, तो मैंने वेट किया ये रीस्टॉक हुआ तब मैंने लिया। अभी आई डोंट नो ये आउट ऑफ स्टॉक है या नहीं, पर अगेन जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ विश लिस्ट में रखिएगा, और जब रीस्टॉक हो और कुछ बेटर प्राइस में आपको मिले तब आप इसको बाय कर सकते हैं क्योंकि इट्स वेरी ब्यूटीफुल पीस। टॉप मैंने लिया है वो है ये देखिए, इसमें थोड़े से रिंकल्स आ गए हैं रखने पे। ये है ससफरास ब्रांड से और साइज है स्मॉल, और ये पूरा सैटिन क्लोथ है, इसका पूरा फैब्रिक जो है सैटिन है, और इसकी स्लीव्स फुल हैं जिसमें यहाँ बटन दे रखा है। इसका नेक हाई नेक है ये, और इसकी नेक पे पूरे पे आप ऐसे देख पा रहे होंगे ये एम्बेलिशमेंट है। बैक में ऐसे बटन क्लोजर दे रखा है ऐसे 2, बाकी ये प्लेन है, ये ऑफ वाइट कलर में है। इसमें भी आई थिंक ब्लू कलर या ग्रीन कलर कुछ तो अवेलेबल था, मैंने ये ऑफ वाइट कलर में लिया है। तो गाइस लिंक तो मैं सभी प्रोडक्ट्स के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और प्राइजेस स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी एज ऑलवेज आई डू। तो जो नेक्स्ट टॉप है वो है ये प्रिंटेड टॉप है। ये देखिए ये बहुत ही वाइब्रेंट टॉप है, इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफी अच्छा लगा,
इस वजह से मैंने इसको लिया। इसकी ब्रांड है ड्रेस पेरी और साइज है मेरे स्मॉल। और गाइज मैंने जो आपको एंथिया का ये ब्लॉक टॉप दिखाया था ये थोड़ा लूज है, स्मॉल है फिर भी लूज ही है क्योंकि इसका फिटिंग ही कुछ ऐसा है, थोड़ा लूज फिटेड ही रहेगा, एकदम फिटिंग वाला नहीं है ये टॉप। ठीक है, इस बात इस टॉप की हम बात कर रहे थे। तो ये है ब्रांड ग्रेसबेरी से, साइज है स्मॉल। ये भी मुझे काफी लूज है, एकदम फिटेड टॉप है नहीं एक्चुअली, उसी टाइप का टॉप है, लूज ही रहेगा। ये शर्ट स्टाइल टॉप है, इसमें पूरे में आगे में आप देख पा रहे होंगे बटन्स है, पूरे में ये बटन्स दे रखे हैं जो सारे ओपन हो जाते हैं। और स्लीव्स इसकी हाफ है और इसका नेक एरिया आप देख पा रहे होंगे वी है। तो ये भी काफी अच्छा लगता है पहनने के बाद। और लेंथ रेगुलर से थोड़ी सी कम है जो कि काफी अच्छी लेंथ है मेरे हिसाब से, इतनी ही लेंथ होनी चाहिए टॉप्स वगैरह की। टॉप्स थे, अब भरते हैं मैंने ड्रेस क्या ली है। उससे पहले मैंने कॉर्ड सेट भी लिया है, कॉर्ड सेट एक्चुअली वो पूरा एक साथ नहीं आता, मैंने मैचिंग करके लिया है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ पहले। तो वो है ये वाला एनिमल प्रिंट में। तो आजकल एनिमल प्रिंट काफी इन है फैशन में, मुझे उतना पसंद नहीं है पर्सनली, लेकिन क्योंकि फैशन में इन है तो आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई दिस थिंग ऑल्सो। तो ये देखिए इसमें एक ये प्लाजो पैंट आप बोल सकते हैं वो दिया है, ये है ब्रांड सेसफ्रास से और साइज स्मॉल है, फिर भी मुझे ये लूज है। इसमें ये देखिए ये इलास्टिकेटेड है पीछे से और इसमें ये आप देख पा रहे होंगे ऐसे अलग से ये क्लोथ कुछ डिजाइनिंग में लगाया गया है दोनों लेग्स पे। ये देखिए इस टाइप का है, बाकी आप ट्राई ऑन हॉल में आप देखेंगे और बाकी स्क्रीन पे मैं एक पिक्चर मेंशन करूंगी तो उससे अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का है। तो ये बॉटम पार्ट है और ये अलग अलग ही है, सेपरेट मिले हैं तो मैंने मैच करके लिया है। और इसके साथ मैचिंग के लिए मैंने लिया है ये टॉप, ये देखिए ये टॉप है, ये कोल्ड शोल्डर टॉप है, इसी सेम क्लॉथ में है, ये पॉलिएस्टर फैब्रिक में सेम प्रिंट है, ये भी सेसफ्रास ब्रांड से ही है, स्मॉल साइज है मेरा ऐसे यहां से नहीं, हाँ यहाँ से ऐसे फ्रंट है इसका, स्टैक का है ये। तो गाइज ये भी मुझे बहुत लूज हो रहा था तो मैंने ऑल्टरेशन के लिए दिया था, तो जो जिसको ऑल्टरेशन के लिए दिया उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया इसकी स्लीव्स में, तो मैं ट्राई ऑन पार्ट में दिखाऊंगी। तो एक स्लीव्स में कुछ तो कहीं उल्टी सीधी सिलाई कर दी है तो उल्टा सीधा जुड़ गया है, बाकी मैं स्क्रीन पे पिक्चर मेंशन करूंगी तो ये एक्चुअल कैसा दिखता है आपको आइडिया हो जाएगा। और इसमें पीछे ऐसे ये बेल्ट भी दे रखा है बांधने को, तो ये मैंने ऐसे कॉर्ड सेट लिया था। ठीक है, प्रोडक्ट है वो है ड्रेस, ये देखिए। तो ये कैमरे में काफी ब्राइट दिख रही है, ये इतनी ब्राइट नहीं है और ये डस्टी पिंक कलर में है, डार्क डस्टी पिंक कलर जैसे बोलते हैं वो है। और ये अगेन ये भी सेसफ्रास ब्रांड से है
और साइज लार्ज है मेरा इसमें, क्योंकि मुझे आई थिंक मिला नहीं था तो मैंने बड़ा साइज ले लिया। और इसको मैं थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन भी करा चुकी हूँ, फिर भी ये काफ़ी लूज है मुझे, तो आप अपना साइज ये लीजिएगा, ऑल्ट्रेशन में बहुत चक्कर हो जाता है नहीं तो। तो ये देख लीजिए, ये जॉर्जेट फैब्रिक में है, काफ़ी लाइट वेट है, प्लीटेड ड्रेस है, वेस्ट एरिया से नीचे तक पूरा ऐसे प्लीटेड फॉर्म में है, ये एक मिडी ड्रेस है। मैं भी आई थिंक एक दो कलर और अवेलेबल थे, मैंने ये वाला कलर चूज किया। और इसकी नेक चाहिए चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो नेक है वो इस टाइप की है, पीटर पेन जो कॉलर बोलते हैं इस टाइप की है। आगे ये बटन सब ओपनेबल है, ओपन हो जाते हैं। और इसमें यहाँ पे टाइट करने को ये बेल्ट दे रखा है, ये आप देख रहे हैं, ये वाला ये बेल्ट दे रखा है जिसको आप ऐसे टाइट कर सकते हैं। स्लीव्स फुल हैं, ये देखिए स्टेप की। तो ये ड्रेस थी। जो अनारकली कुर्ता है आप लोगों को दिखाने के लिए वो मैं दिखा देती हूँ, वो है ये ब्लैक कलर में, ये है ब्रांड अक्स से, साइज मैंने लिया है इसमें स्मॉल। और ये प्योर कॉटन फैब्रिक में है, ये देखिए इस टाइप का है। ब्लैक कलर में है, ये नेक पे ऐसे रेड कलर का बॉर्डर लगा रखा है, ऐसे स्लीव्स पे लगा रखा है, फुल स्लीव्स हैं। और ये अनारकली कुर्ता है, इसका काफी अच्छा फ्लेयर है, देखिए इसके हेम पार्ट में इस टाइप का प्रिंट है ऐसा। ठीक है, तो इसका फ्लेयर काफी अच्छा है। और इसके साथ मुझे एक कोटी भी रिसीव हुई है, ऊपर जैकेट है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इसके साथ ये जैकेट रिसीव है, जो कुर्ते का नीचे बॉर्डर पार्ट का प्रिंट था ना, उसी प्रिंट में ये मुझे जैकेट रिसीव हुई है ऊपर इसमें पहनने के लिए। तो ये पूरा पीस जो है प्योर कॉटन फैब्रिक में, इसका फैब्रिक काफी अच्छा है, फ्लेयर भी अच्छा है इसका। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक कुर्ता, तो मैं कुर्ता दिखा देती हूँ आपको, वो है ये वाला, ये है ब्रांड मोडा रैपिडो से, और साइज है मेरा इसमें स्मॉल। तो मैंने इसको पिक इसलिए किया था, एक तो मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा था, ये देखिए थोड़ा डिफरेंट यूनिक इंग्लिश ब्लू कलर है, लेवेंडर कलर है ये एक्चुअली। और इसकी स्लीव्स मुझे काफी अच्छी लगी थी, ये देखिए ऐसे बेल स्लीव्स है। बाकी इसका फैब्रिक आई थिंक विस्कस रेयन है, काफी सॉफ्ट वाला कॉटन फैब्रिक है। नेक ऐसी कॉलर नेक है,
और इसमें पूरे में ये आगे बटन्स दिए हैं जो ओपन हो जाते हैं चेस्ट एरिया तक। और आप ये जो देख रहे हैं ना, ये पूरी एम्ब्रॉयडरी है, प्रिंटेड नहीं है। ये देखिए पूरी ये एम्ब्रॉयडरी है, बाकी ये सब प्रिंट है ये जो बने हुए हैं। लेकिन नेक से चेस्ट एरिया तक इसमें पूरे में ये एम्ब्रॉयडरी है। अच्छी है, काफी फाइन एम्ब्रॉयडरी है, फिनिशिंग अच्छी है। तो ये जो है ये कुर्ता ए लाइन कुर्ता है, इसमें साइड में स्लेट नहीं है, ये पूरा ए लाइन कुर्ता है। और ये मुझे काफी लॉन्ग आता है, मैंने इसको ये देखिए थोड़ा ऑल्टरेशन करवाया था, मोड़ रखा है, फिर भी मुझे थोड़ा बड़ा है। आगे आप देख पा रहे होंगे इसमें ये थोड़ी फ्रंट स्लेट दे रखी है नीचे की तरफ, और इसमें पूरे में ये बटन्स दे रखे हैं जो ओपन हो जाते हैं, तो आप इसको एज ए श्रग वेयर कर सकते हैं, काफी अच्छा लगेगा। पर्पल कलर में ये चेकर्ड स्टाइल कुर्ता है, ब्रांड है लिबास, साइज है एक्स्ट्रा स्मॉल। देखिए इसका फैब्रिक भी प्योर कॉटन है, पर इसका थोड़ा वैसा वाला स्टिफ वाला कॉटन फैब्रिक है, वो आई थिंक विस्कस रेयन में था। देखिए तो आप इसको एज अ ड्रेस भी वेयर कर सकते हैं, मैं तो इसको एज अ ड्रेस ही वेयर करती हूँ। शर्ट कॉलर स्टाइल ले रखी है, आगे नेक पे हुक्स हैं इसमें, और ये बटन्स दे रखे हैं इसी क्लोथ के। स्लीव्स इसकी काफी अच्छी लगी मुझे, इसे बलून स्लीव्स टाइप दे रखी हैं, थ्री क्वार्टर स्लीव्स हैं। और बाकी ये भी एक ए लाइन कुर्ता है, देखिए ये भी काफी लॉन्ग है, इसको भी ऑल्टर कराया था मैंने, तभी जाके ठीक हाइट आई है मुझे इसकी, ठीक लेंथ आई है। और आगे थोड़ी सी ये स्लिप दे रखी है। नेक्स्ट भी एक कुर्ता है, अनारकली कुर्ता है, और ब्रांड है इसकी आई थिंक लिबास, दिखाती हूँ, हाँ लिबास ब्रांड से है, साइज है मेरा इसमें स्मॉल। ये देखिए इसका फैब्रिक मुझे एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आया है, चंदेरी कॉटन कुछ तो फैब्रिक है इसका, आप इसमें और इसका प्रिंट तो आप देख पा रहे होंगे, ऐसे काफी ज्योमेट्रिक प्रिंट्स बने हैं इसमें, स्लीव्स फुल हैं, ऐसे गोल्डन कलर का ऐसे बॉर्डर लगा रखा है स्लीव्स पे। तो ये एक ए लाइन कुर्ता है, और ऐसे फ्लेयर भी इसकी ठीक ठाक है, नीचे इसके हेम एरिया में अगेन या गोल्ड बॉर्डर, एकदम वैसा वाला गोल्ड नहीं है, चटक वटक वाला, थोड़ा सा फेडेड गोल्ड है इसका कलर यहाँ पे। और यहाँ पे पूरे में गोल्ड फॉइल प्रिंट किया गया है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। आगे ये बटन्स हैं जो सिर्फ स्टाइल के लिए दिए हैं, ये ऐसे पोटली बटन्स, बाकी पूरे कुर्ते पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसे गोल्ड गोल्ड फॉइल प्रिंट किया है। तो गाइज ये मेरा कुर्ता एक दो बार धुल चुका है, तो आफ्टर वॉश रिव्यू भी दे देती हूँ, इसका गोल्ड फॉइल प्रिंट नहीं निकला है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है अभी तक तो इस कुर्ते का। Thank you.
वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक दे दीजिएगा, और जैसे कि मैंने बोला चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही कई सारी हॉल वीडियोस आने वाली हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।